गाइस, तो ये ब्लॉग है संडे का। संडे सुबह उठते ही जैसा कि हम सबके साथ होता है कि संडे को ना मतलब बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं, अगर आप संडे को कर लो तो पूरे वीक फ्री रह सकते हो। तो मतलब बॉटल की सफाई तो हर दिन मैं करती हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरा चाय बन गया था। चाय मैं टेबल पर रख के आ गई थी कि जब तक ठंडा होगा तब तक मैं ये बॉटल सारे अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हर दिन बॉटल क्लीन करती हूँ। लेकिन संडे को एक होता है ना कि एक आपका रूटीन होता है कि आप काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा टाइम दे करके हर चीज़ को अच्छे से वेल मेंटेन कर दो। उसके बाद फिर केटल भी मैं हर दिन तो जैसे वॉश करके पानी हम लोग फिल करते ही हैं गर्म करने वक्त, लेकिन संडे को मैं उसे डीप क्लीन अच्छे से अंदर से बाहर से दोनों तरफ से क्लीन कर देती हूँ। तो ये सब हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा पार्क में आ गए थे, जहाँ पर जिया अपनी फ्रेंड वीरा के साथ अच्छे से सी सॉ पे देखिए कितने मज़े से कर रही थी। हम लोगों को डर लग रहा था कहीं गिर जाएगी, लेकिन ये दोनों बच्चे भी काफ़ी मज़े कर रहे थे। इधर मैं फटाफट घर का काम ख़त्म कर रही थी कि बच्चे पार्क में हैं, तो उससे पहले ना मतलब जब तक ये लोग वापस आए उससे पहले मैं घर जाके सारे काम निपटा लूँ। इधर मिस्टी भी नहा कर आ गई थी, क्योंकि मिस्टी ने कॉल कर दिया था पापा को कि जब तक मैं ना आऊँ आप लोग अभी वापस नहीं आओगे। तो मिस्टी भी नहा कर आ गई थी, तो मैंने भी कहा थोड़ी धूप है उसके बाल सूख जाएंगे, तो इसलिए अच्छा है कि वो धूप में ही रहे। तो ये पार्क से बच्चे अब जस्ट घर पहुंचने ही वाले थे। इधर फिर मैं आ गई थी किचन में लंच के लिए कि लंच बनाना है, क्योंकि उसके बाद मतलब मैंने भी नहा के पूजा किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर से मैं खाना बनाने आ गई। तो किचन में पता चला कि सारे मसाले के डब्बे ना सब में का मसाला खाली हो गया था, तो और जीरा और ब्लैक पेपर पाउडर जो था वो भी ख़त्म था। तो मैं उसे मिक्स करने के लिए बाउल में निकाल रही थी, क्योंकि दोनों का सिनेरियो देखना पड़ता है कितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आप मिक्स करके। तो मैं ब्लैक पेपर और जीरा एक साथ मिक्स करके रख देती हूँ सब्जी के लिए, स्पेशली दोनों अलग अलग भी होते हैं एज़ पर अकॉर्डिंग जब जिसकी ज़रूरत पड़े। तो यहाँ मैंने उसे मिलाना शुरू कर दिया था, और बाकी सारे डब्बों में मैं पहले ही मसाले भर चुकी थी। क्योंकि ना ये सारे ऐसे काम होते हैं कि आप संडे को निपटा लो तो पूरे वीक फ्री रह सकते हो, वरना इन द बिटवीन ना वीक में वीकडेज में आपको और भी ज़्यादा इशू आएंगे, ये काम करो वो करो। ऑलरेडी हमारे पास इतना टाइट शेड्यूल होता है वीकडेज में कि ये सारे फालतू काम ना मतलब फालतू क्या मतलब एक्स्ट्रा काम है, तो ये सारे काम आप संडे सैटरडे को कर लो तो काफ़ी सहूलियत होती है आपको। तो मैं उसे डब्बे में डाल के और ये जो बाकी जीरा पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर बचा था वो मैं उसे अलग अलग डब्बों में डालकर उसे भी अंदर डाल दे रही थी। उधर मैंने अपने कुकर में देखा, वो मैं दाल चढ़ा दी थी कि साथ में दाल होता रहे। और हम लोग ना मतलब ये करने के बाद सोच रहे थे कि आज संडे है क्या करते हैं, तो प्लान बना कि इस्कॉन जाते हैं। तो इस्कॉन जाने के लिए यहाँ पर हम लोग रेडी होने लगे थे, मतलब कि लंच हमारा हो गया था लंच के बाद। तो जैसा कि होता है कि इस्कॉन टेम्पल ना 4:30 इवनिंग स्लॉट जो है 4:30 से ओपन होता है मतलब पब्लिक के लिए, क्योंकि उस वक्त तक बंद होता है। तो यहाँ पर मैं एक नया हेयर स्टाइल मिस्टी के लिए ट्राई कर रही थी, जो आज उसने हेयर वॉश किया था, तो मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं होता है नहीं। तो 2 मिनट का था, और इसके बालों में जैसा आप देखते हैं कि मेरे बाल नहीं हैं बट इसे काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, काफ़ी वॉल्यूम है। तो उसके लिए ना मैं ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा कि देखते हैं आखिर कैसा आता है, मैंने एक वीडियो देखा था। तो सच में काफ़ी इजी सा स्टेप है और काफ़ी अच्छा लग रहा था मिस्टी के फेस पर भी। तो वो भी ना नए हेयर स्टाइल के नाम पर अच्छे से करा रही थी, वरना हमेशा बाल बनवाने के नाम पर ही ना उसके मुंह बनने लगते हैं। तो इधर उसका हो गया था, अभी मैं पीछे से फिर उसका करूँगी, आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना जो मतलब आगे से थोड़े थोड़े से बाल लेकर के मैंने उसे ट्विस्ट करके एक जस्ट काइंड ऑफ रोप की तरह बना के पीछे से क्लिप लगा दिया था। अभी मुझे बाकी सारे बालों को पीछे से अरेंज करना है, और फिर मैं उसे हाफ लेकर के यहाँ पे क्लचर लगा दूँगी। तो ये ना मिस्टी को काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी खुश हो रही थी कि वाह मम्मा आज तुमने अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है मेरे लिए। क्योंकि हर दिन ना वो स्कूल जाती है, उसे पोनी बना कर भेजते हैं, तो बोलती है मुझे ना मतलब सब लोग बोलते हैं तुम एक ही हेयर स्टाइल करके आती हो ऐसा करके। तो मैंने बोला स्कूल जाते वक्त वैसा ही होता है, ये अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो इसके बाल इतने ज़्यादा घने हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, और अभी ना पता नहीं इसके भी हेयर फॉल हो रहे हैं, पता नहीं बारिश की वजह से या क्यों। तो मेरा मोस्टली मानना है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, कि बारिश के मौसम में एवरी ईयर होता है, उसका भी होता है मेरा भी होता है ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैंने उसके आधे बालों में क्लचर लगा दिया था, और अब ये देखिए काफ़ी अच्छा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और फिर मैं मिस्टी ने बुलाया कि पापा आप देखो, तो
पापा तो अपना कुछ और ही सामान लेने जा रहे थे, तो उधर से मिस्टी बोली कि आपने नहीं देखा, तो आके फिर उसे उसके पापा देखते हुए, और ये बाप बेटी का प्यार ऐसे ही चलता रहता है दोनों का। तो अभी मिस्टी को अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगा, तो अभी मिस्टी बोल रही थी कि जरा मुझे दिखाओ मेरे हेयर स्टाइल को, ये वीडियो बना के उसे भी मैंने दिखाई, मैं दिखाई थी कि देखो कैसा दिख रहा है। तो उसे पसंद आया, काफ़ी खुश थी। उसके बाद हम लोग निकल गए इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के पार्किंग एरिया में। तो आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा पार्किंग बनाया है, क्या बोलो, और ये चारों तरफ सिर्फ अपार्टमेंट ही दिख रहे हैं। ये पूरा एंट्री है जहाँ से हम लोग आते हैं, और ये जहाँ पे मिस्टी खड़ी है, और इधर ही आप लेफ्ट टर्न लोगे और इधर सामने आपका पार्किंग आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये ग्रीन वाला जो शेड है वो कंप्लीट पूरा पार्किंग है फोर व्हीलर का, इतना बड़ा है कि क्या बोलो। तो गाड़ी पार्क करके, और हम लोगों ने अपने सारे स्लीपर गाड़ी में ही छोड़ दिए थे, क्योंकि स्लीपर रखने के लिए भी काफ़ी लंबा क्यू होता है, और मतलब ना रखो फिर आते टाइम भी उसे लेना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कार में ही छोड़ देते, इतनी दूर हम आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग इधर अब इंट्री कर चुके थे। पहले ना मतलब कि लास्ट ईयर तक ये सब बैरिकेड नहीं था वहाँ पर ना, मतलब आप आ जा सकते थे ऐसे ही, गाड़ी भी ऊपर तक जाती थी, लेकिन अभी यहाँ से एंट्री एग्जिट अलग से बना दिया है, तो अब यहाँ भी मतलब आपको थोड़ी दूर तो पैदल चलना ही पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि जिया जहाँ भी सीढ़ी देखती है, चाहे वो शॉपिंग सेंटर हो या अपने अपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, उसे सीढ़ी पर चढ़ना ही है, उसे किसी मतलब गोद में तो नहीं जाना। तो यहाँ से हम दूसरे सीढ़ी की तरफ, उसके बाद फिर हम लेफ्ट लेंगे। तो यहाँ ऊपर मतलब सीढ़ी पर चढ़ते हुए, मैं यहाँ से जहाँ पे हम लोग हैं सेकंड राइट मिलते समय, मैंने ऊपर से ये लिया। तो पहले मैं ये इसी रास्ते तक देख रहे हैं आप वहाँ पे गाड़ी, तो वो गाड़ी ना मतलब स्कॉन वाले लोगों की है, तो पहले हमारी गाड़ी भी उधर लग जाती थी, बट अभी ऐसा नहीं। तो वहाँ से हमने अब लेफ्ट ले लिया और अब हम जा रहे हैं दर्शन की तरफ। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए बनाया गया है, और इसके बाद अंदर में थोड़ी देर अलाउड नहीं था मोबाइल, तो फिर यहाँ के बाद मैं बंद करूँगा, फिर आगे जाकर हम लोग वीडियो लेंगे। तो यहाँ पर मिस्टी और मैं घुसते हुए, उसके बाद फिर हमारे यहाँ जहाँ पर फुटवेयर आपको रखना है, देख ही रहे हैं लोगों की लाइन लगी हुई है। पर स्लीपर मतलब 2 रुपये हैं, 2 रुपये से, और ये सारे मतलब बैग्स रखे हुए हैं जिसमें आपको अपने फुटवेयर डाल करके आपको टोकन नंबर लेना है। उसके बाद वहाँ पे हैंड वॉश के लिए बनाया गया, जहाँ से आप हैंड वॉश करके दर्शन के लिए आगे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हुए दर्शन की तरफ, तो ये यहाँ पर ना प्रसाद वाला कॉर्नर है, जहाँ पर आ करके आप प्रसाद लेंगे मतलब वाइल रिटर्निंग, और उसके बाद आप यहीं पे बैठ के खाने का इंतज़ाम है। आगे हैंड वॉश के लिए भी बना हुआ है, तो मैं आगे आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको ना मैं जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने सारे वीडियोस लिए हैं, आपको मतलब वन बाय वन मैं आपको स्टेप वाइज दिखा दे जाऊँगी। तो ये देखिए इतना अच्छा ये बनाया है ना, मतलब बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा था। और राइट एंड साइड में वाइल एंटरिंग आप देख सकते हैं, लग रहा था पूरा बैंगलोर दिख रहा है, और चारों तरफ से बिल्डिंग्स ही दिख रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और ये जाने का रास्ता चारों तरफ से, कहीं से भी जाओ आपको लगता है कि आप एक ही रास्ते पर चल रहे हो, इतना सेम बना हुआ है। और इधर अब हम पहुंचने वाले हैं दर्शन की तरफ। आप ये देखना दोनों पिलर्स दोनों तरफ के ना, मतलब बड़ा ही अच्छा दिख रहा था, और राइट एंड साइड में सब ओपन स्पेस है जो पहले खुला हुआ था, लेकिन अभी ना इन लोगों ने बैरियर लगा दिया है कि आप उधर नहीं जा सकते। तो ये लोग उधर गए थे, किसी ने मना किया, फिर ये लोग वापस आ गए। और ये देखिए वेदर बड़ा ही अच्छा सा वेदर हो रहा था, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतना फ्रेश एयर था कि क्या बताएं। तो इधर से अब हम जाते हुए और लेफ्ट आगे जाकर हमें लेफ्ट मोड़ना है, जहाँ पर हमें हमारे प्रभु राधा कृष्ण मिलेंगे। तो ये देखिए इधर से सब लोग ना मतलब देख रहे थे कि पूरा बैंगलोर कैसा दिख रहा है, सब लोग खड़े होकर बैंगलोर को ही देख रहे थे कि मतलब पेड़ कम और बिल्डिंग से ज़्यादा देख रही है, पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। सब जगह पेड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, लेकिन काटे जाने चाहिए, बट सोच यही होनी चाहिए कि उसके बदले में हम पेड़ लगाते भी जाएं। मैं हूँ या कोई और हो, हर किसी के लिए मेरे बात में। इधर ये जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ बन ही रहा है, अभी भी इतना सब कुछ बन गया है, इतना बड़ा है कि हम लोग थक चुके थे चलते चलते,
उसके बाद भी ना अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बन रही हैं, और ये रहे हमारे प्रभु। और इसके बाद मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैं बस जूम कर कर दूर से ही ले रही थी, क्योंकि अंदर ना फ़ोटोज़ ले सकते थे ना ही वीडियोज़ ले सकते थे। तो रूल इज़ अ रूल, हमें मानना था। तो हमने मोबाइल मतलब अब ये क्लोज मैंने नज़दीक तक जा कर के लिया था, क्योंकि इसके आगे तो अलाउड जाना था नहीं। तो आप इसी से दर्शन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद वहाँ जा कर के दर्शन करके आइए, क्योंकि इतनी अच्छी मूर्ति ना, मतलब सच में कहीं भी देखें मतलब ऐसा लगता है कि वो मूर्तियाँ ना बात कर रही हैं। उसके बाद ये है उस मंदिर से निकलने के बाद, अभी बाकी सारे मंदिरों में जाना है जो इंटरकनेक्टेड हैं वहीं से। तो इन लोगों ने ऐसा रास्ता बना दिया ना कि आप घूमते घूमते सब घूम करके फिर लास्ट में आप एग्ज़िट करोगे। तो ये देखिए, ये हम लोग ऊपर आए और यहाँ से ये मेन बिन मंदिर है हमारा। उसके बाद अभी हमें इसमें एंट्री करनी है जहाँ पे तिरुपति जी जय गोविंदा विराज रहे हैं, वेंकटेश स्वामी, और इसके अंदर हमें अभी जाना है। उसके अंदर भी मोबाइल अलाउड नहीं था, यहाँ पर बस हम लोग बाहर में जो बैठे थे यहीं से जितना ले सकते थे, ये पिलर वही सब हम लोग लिए। थोड़ा सा थक कर हम लोग बैठ भी गया था, क्योंकि ना दूध पीने थी, उसे भूख लग गई थी। हम बोले ठीक है, हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसे पिला देते हैं, फिर अंदर जाएंगे। तो ये हमारे वेंकटेश स्वामी का मंदिर, इसके अंदर हम लोग जाएंगे। तो खैर वहाँ का वीडियो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि अलाउड नहीं था। और ये देखिए वेदर सडनली कैसा हो गया, और ये मेन बिल्डिंग हमारा, मतलब कि मेन मंदिर जिसमें हमारे राधा कृष्ण विराज रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है। इसे देखिए, उसके ऊपर हमारा फ्लैग ध्वज लहराता हुआ। देखिए वेदर जैसे जैसे ना, मतलब आकाश के रंगों के साथ मंदिर भी बदल रहा था। मतलब सच में ये अल्टीमेट था, इतना अद्भुत था ना कि क्या बताएं। तो ये सच में कहा गया है कि मौसम जैसा होना इंसान का मूड, और मतलब कहीं भी घूमने जाने का मतलब एक इंटरेस्ट ही अलग हो जाता है। तो ये यहाँ से हम लोगों ने थोड़े से मतलब कोशिश करते जूम करके देखते हैं बिल्डिंग्स कितनी बड़ी कितनी पास दिखाई देती है। तो पूरा बैंगलोर लग रहा था कि यहाँ से हम देख रहे हैं, चारों तरफ बीच में लग रहा था हम हैं, हमारे प्रभु हैं, और चारों तरफ पूरा बैंगलोर। यहाँ पर जो है ये कॉर्नर, यहाँ पर लोग खड़े होकर के सेल्फी वगैरह ले रहे थे, पिक्चर्स वगैरह सब लोग ले रहे थे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली जा रही थी। और ये उसके अंदर का तो यहाँ से जो मतलब वेंकटेश स्वामी का ये एंट्री है, तो यहाँ से लोग घुसते हैं। उसके बाद अलाउड नहीं था, और फिर वो घूमने के बाद मतलब कि वो विष्णु दशावतार के घूमने के बाद यहाँ पर जिया और मिस्टी की, जिया ना मतलब मिस्टी को बस कॉपी करती, मिस्टी जहाँ भी प्रणाम करती थी वो भी प्रणाम करती थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे अब एग्ज़िट की तरफ। यहाँ पर ये जो मतलब उनका, यहाँ पर होली बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं, जाप माला खरीद सकते हैं, फिर भोग मतलब कि प्रसाद, वो सब भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस्कॉन के बारे में तो वो सब कुछ मिल सकता है। इवन आपको अगर कुछ देना है मतलब एज अ चंदा, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कुछ सेवा के रूप में ऐसा करके। जैसे क्योंकि आपको पता है कि अक्षय पात्र इन्हीं का है और यहीं से चलता है, हर दिन न जाने कितने सारे बच्चे यहीं से खाना खाते हैं। तो उसके बाद हम लोग निकल करके आ गए लास्ट में प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सब लोग प्रसाद ले लेकर, जहाँ जिसको जहाँ जगह मिली थी वहीं बैठ करके। और ना खिचड़ी इतनी अच्छी होती है प्रसाद मतलब कि, तो ये प्रसाद इतना अच्छा होता ना, इतना यमी होता है कि एक बार खाने से ना मन ही नहीं भरता। तो हम लोग फिर भी दोबारा भी गए थे मांगने के लिए। तो खाने के बाद ना उधर से जब रिटर्न हम लोग हो रहे हैं, तो हम लोग जा रहे थे राइट हैंड साइड से, अभी हम लोग लेफ्ट साइड से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पर जाप करते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं। और ये देखिए जाते वक्त मैंने वाइट कलर का दिखाया था, अभी ये देखिए कैसा ऑरेंज काइंड ऑफ हो रहा है। तो जैसे जैसे शाम हो रही थी लाइट जल्दी जलना स्टार्ट हो गई थी, और धीरे धीरे सबके कलर चेंज हो रहे थे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब एक अलग ही था। अब देख रहे हैं ना अभी कैसा लुक दिख रहा है, और जाते वक्त मैंने कैसा दिखाया था। ये देखिए लोग धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए थे क्योंकि शाम हो रही थी। तो ये जो सेंटर मैं दिखा रही थी, यहाँ देखिए यहाँ पर सब लोग जाप करने के लिए बैठे हुए थे। वहाँ पर दो लोग भी थे जो आपको पूछते थे कि आप लोग भी आइए थोड़ी देर बैठिए, हरे रामा हरे कृष्णा यहाँ पर कीजिए। ये देखिए ये कैसे वाइट कलर का है,
और धीरे धीरे ना वो ऑरेंज होता जा रहा था जो मैंने वीडियो में देखा। ये देखिए, ये लोग जा माला लेकर के खड़े हैं और हर किसी को पूछते हैं कि हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और ये सब लोग बस निकल रहे थे और कुछ लोग अभी आ भी रहे थे। तो ये सब ओपन स्पेस है, ये लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते रहते हैं। जब भी जिस चीज़ की, जब कोई फंक्शन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है उसके लिए। और ये सब एग्ज़िट वे था, तो यहाँ से हम लोग फिर देखे ये प्रसाद वाला। मैंने बाकी लिया था कि मतलब देखिए कैसे कैसे लोग, सब लोग ना दो बार तीन बार लेने के लिए, प्रसाद के लिए आ रहे थे। और सब लोग प्रसाद देते हैं, हरे कृष्णा बोलते रहते हैं। ये देखिए प्रसाद, सब लोग जगह 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 बैठकर खा रहे थे। और यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं ना, हाँ ये यही पे वो हैंड वॉश के लिए भी बना हुआ है। तो लेकिन ना ये लोग बोलते हैं कि प्रसाद आप दोबारा लीजिए, तीसरी बार भी लीजिए, लेकिन आप सेम बाउल लेकर के आइए, यू शुड नॉट वेस्ट, इनका यही कहना। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हम लोग भी वही वाला बाउल लेकर के फिर से हम लोग प्रसाद लेकर के आए थे। और ये हम लोग अब एग्ज़िट की तरफ आ गए थे, जहाँ से अब हमें निकल करके घर वापस आना था। तो यहाँ पर इतना ओपन स्पेस था ना कि ये बच्चे रुक ही नहीं रहे थे, ये लोग इतना भाग भाग के खेल रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि पूरा फ्री हो गया है, हमें दोनों रेस लगा रहे थे। तो इधर हम लोग भी थोड़ी देर बैठ गए क्योंकि थक सब गए थे चल चल के। और ना मतलब मौसम इतना अच्छा हो गया था ना कि, और सडनली विद इन अ मिनट ना आकाश का कलर ही चेंज हो रहा था, कभी ऑरेंज हो रहा था, कभी ब्लैक हो रहा था, कभी स्काई ब्लू हो रहा था, कभी वाइट दिख रहा था। तो ये आपको तो मैं दिखाऊंगी कि देखिए आकाश कैसे ये सब। तो नेचर से अच्छा सच में कुछ नहीं है, ये हर किसी को पता है, फिर मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए कितना बड़ा, और अभी भी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब पूरा बन जाएगा तो पता नहीं और कितना अच्छा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सब बैठ गए थे, इधर सब थक के बस कुछ नहीं तो मोबाइल में लगे हुए थे, और ये बच्चे ये लोग सब बदमाशी करने में लगे हुए थे, इधर हम लोग भी थे। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं बच्चों को कि अब चलो घर चलते हैं, सब कुछ थके, क्योंकि ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। बट लेकिन बारिश वहीं पर रुक गई, मतलब सिर्फ ड्रॉपलेट्स आए और उसके बाद ना मतलब बारिश रुक गई। तो हम लोग सोचे कि ठीक है बच्चे खेल रहे हैं खेलने, तो थोड़ी देर में धूप आ रही थी, थोड़ी दूर में धूप चली भी जा रही थी। तुरंत में एकदम काला सा एकदम डार्क हो जा रहा था, तुरंत में येलो हो जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्काई पूरा लाल हो गया है। और ये धीरे धीरे पूरा लाइट जलनी चारों तरफ की शुरू हो गई थी, और लोग भी जो थे कहीं कहीं कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है, तो हर कोई अपने आप में बिज़ी दिख रहा था। तो हम लोग बस अब यही थे कि अब भाई चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हुआ, दो तीन घंटे लग गए मतलब इधर ही घूमते हुए बच्चों को घुमाते हुए। देखिए तुरंत में ना मतलब एकदम से जो स्काई था ब्लैक हो रहा है, इधर आप देखिए कैसा दिख रहा है, तो बड़ा ही अलग सा नज़ारा था। ये देखिए तुरंत में येलो हो गया और एकदम से काला बादल दिखने लगा, और बीच से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सन दिख रहा है। तो सच में प्रकृति से अच्छा कुछ नहीं होता। तो गाइस आपको भी अच्छा लगे तो आप लोग भी आइए ज़रूर घूमने के लिए, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए यहाँ पे भी कितना मतलब ना वो ऐसा लग रहा था कि बस वीडियो लिए ही चले जाए। तो यही प्रकृति का नज़ारा, इसे ही कहते हैं कि प्रकृति ना जाने कितने सारे रंग दिखाती है कुछ ही समय में। ये देखिए तुरंत में इधर ना वाइट हो रहा था, इधर येलो दिख रहा था, बीच में ब्लैक दिख रहा था, और ये देखिए पेड़ के बीच से कैसा नज़ारा है। उसके बाद हम लोग बस बाहर आ गए थे और शाम होने शुरू हो गई थी, तो मंदिर में सारे लाइट्स चलने लगे थे। अब टेंपल देख ही रहे हैं, येलो धीरे धीरे होने लगा था और पूरा टॉप तक येलो होता है, जैसे जैसे डार्क होता चला जाता है पूरा ऊपर तक येलो दिखेगा आपको, दूर से हमारे घर के छत से भी दिखता है। तो गाइस आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।